दोस्तों कैमरा कॉर्ड की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हर बार की तरह हमारी ये वीडियो भी काफी अलग और मजेदार होने वाली है, जिसे देखकर आपका आज का इंटरनेट डेटा वसूल हो जाएगा। तो यार ऐसी वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से लेकर आया है, इसलिए यार वीडियो को बिना स्किप किए देखना। जिस तरह हमारा देश तरक्कियों की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही भ्रष्टाचार के भी काफी मामले हमारे देश में सामने आ रहे हैं। हमेशा में नए घोटाले के बारे में न्यूज में देखने को मिलता है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी इलाके में सामने आया। इस गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक सड़क बनाई गई थी और उस सड़क को कुछ लोगों ने जब हाथ से निकालना चाहा तो सड़क तुरंत उखड़ने लगी। यह सड़क पूरनपुर से भगवंतापुर गांव तक बनाई गई थी और इसे बनाने में करीब 3,80,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यह सड़क बड़ी आसानी से उखाड़ी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, सरैया विलियम से अमीन नगर रोड प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत सड़क योजना के अंतर्गत बन रहा है और अभी ये देख सकते हैं आप, रोलर भी सामने खड़ा हुआ है, अभी बनी रहा है और ये हमारे साथी लोग हाथ से इसे उखाड़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की सड़क ग्राम पंचायत सड़क योजना के अंतर्गत बहुत ज्यादा मजबूती दे रही है। प्रशासन से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस रोड की देख रेख करे और उचित कार्रवाई करें। और इसी बात से ये पता चलता है कि आखिर ये पैसे सड़क बनाने में नहीं लगे तो किधर गए। तो यही समझिए कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है और इसका नतीजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इस सड़क को बनाते वक्त ऐसा लगता है बहुत ही कम पैसे का इस्तेमाल किया गया है। हम जब भी सरकारी दफ्तरों में कोई काम करवाने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे से छोटा काम करवाने के लिए भी घंटों लाइन में रुकना पड़ता है और तब जाकर हम उस काम को पूरा कर पाते हैं। लेकिन कुछ दफ्तरों में हालत इससे भी बदतर है, जहां लोगों को काम के नाम पर सिर्फ तारीख दी जाती है। और ऐसे ही एक घटना पश्चिम बंगाल के बंकुरा इलाके में होते हुए सामने आई, जिसमें नीले रंग का शर्ट पहने ये शख्स सरकारी अधिकारी के सामने कुत्ते जैसी आवाज निकालते हुए भौंके जा रहा था। वीडियो को देखने के बाद हर कोई सोच में पड़ गया कि ये व्यक्ति ऐसी हरकतें आखिर क्यों कर रहा है। दरअसल इस व्यक्ति के राशन कार्ड में उसका नाम गलत छपकर आ गया। इस शख्स का असली नाम दत्ता है, लेकिन गलती से दत्ता की जगह कुत्ता लिख दिया गया। ये भगवान क्या जुलुम है, आखिर कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। और यही कारण है कि यह शख्स ऐसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि गलती तो की, ऊपर से सरकारी दफ्तर के काफी चक्कर लगाने के बावजूद इस शख्स का नाम सही नहीं कर रहे थे वो लोग, जिस वजह से उसने ये रास्ता अपनाया और सरकारी अधिकारी के सामने ऐसी हरकत करने लगा। क्या आप लोगों को सरकारी काम करवाने के लिए इस हद तक जाना पड़ेगा? सोचने वाली बात है। अगर आपको भी कभी ऐसी तकलीफ हुई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ ठग लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाते हैं कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता है, जिस वजह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए और खासकर खरीदारी के वक्त, क्योंकि कुछ दुकानदार चंद पैसों के लिए लोगों को लूट लेते हैं। और एक ऐसी ही घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, जहां एक महिला ठेले पर सेब बेच रही थी, जिसे देखकर लगता है कि यह सब कुछ एकदम नॉर्मल है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ग्राहक ने जिस थैली में सेब डाले थे उस थैली को यह महिला खराब सेब से भरी थैलियों से बदल देती है और को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। होगा काम खत्म होगा, कर लिया इसका तो काम। ये महिला ऐसा फ्रॉड सिर्फ एक ग्राहक के साथ नहीं बल्कि वहाँ आए बहुत से लोगों के साथ करते नजर आ रही है। इसलिए आप भी अगर किसी दुकान में खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो जरा सेलर पर भी ध्यान दें। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को यकीनन पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, पर सभी पुलिस वाले ऐसा नहीं होते, ये आप हमारी अगली वीडियो देखकर समझ जाएंगे। ये वीडियो महाराष्ट्र के एक इलाके की है, जिसमें हम देख सकते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर्स एक गरीब ठेले वाले से रिश्वत ले रहे हैं, या फिर यूं कहो कि हफ्ता ले रहे हैं। इन जैसे पुलिस कर्मियों की वजह से ही बाकी ईमानदार ऑफिसर्स पर भी उंगली उठाई जाती है।
जब भी किसी गुनहगार को पकड़ा जाता है तो उसे कुछ दिनों के लिए लॉकअप में भी रखा जाता है और वही उससे पूछताछ भी की जाती है। इस वजह से काफी लोग पुलिस और लॉकअप इन दोनों से भी डरते हैं। पर अगर किसी शराबी को लॉकअप में बंद किया जाए तो उल्टा पुलिस को ही उसे झेलना पड़ता है। इंटरनेट पर यह वीडियो काफी लोगों को पसंद आई, जिसमें एक कैदी लॉकअप में खड़े होकर जोर जोर से गाना गा रहा था और पुलिस भी इस बात का मजा उठा रही थी। मुझे पीने का शौक नहीं है। लॉकअप से निकलने के लिए कैदी आमतौर पर पुलिस कर्मचारियों के पास गिड़गिड़ाते हैं, पर इस कैदी ने तो अलग ही तरीका ढूंढ निकाला है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे हम हमेशा गलत पुलिस की वीडियोज ही आपको दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी ऑफिसर्स ऐसा नहीं होते, बल्कि कुछ अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और ये आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। हैदराबाद के एक इलाके की ये वीडियो है, जहां आप देख सकते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रास्ते पर गिरी पेड़ की ब्रांचेस को उठाकर साइड में रखने का काम कर रहा है। वहां पर मौजूद किसी ने भी इस ऑफिसर की मदद नहीं की, जबकि इस अकेले ऑफिसर ने रास्ते पर से पूरे पेड़ उठाए और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, वही इस ट्रैफिक पुलिस वाले ने लोगों का इनकी तरफ देखने का नजरिया बदल दिया। एकता में काफी ताकत होती है। जिस काम को अकेले करना हम नामुमकिन समझते हैं, वो काम टीम वर्क यानी एकता के जरिए काफी आसानी से पूरा किया जा सकता है और इसका उदाहरण हमें नॉर्थ ईस्ट के एक इलाके में देखने के लिए मिला। इस वीडियो को अवोई लोहे नामक शख्स ने रिकॉर्ड किया। दरअसल यहाँ एक ट्रक खाई में था और उस ट्रक को फिर से ऊपर लाने के लिए वहाँ के लोगों ने आगे आकर सहायता की और सभी ने मिलकर इस ट्रक को फिर से ऊपर लाया और उसे मेन रोड की तरफ लेकर गए। इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि जहाँ एकता होती है वहाँ जीत निश्चित होती है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।